Hey, what's up everybody? My name is Karan and welcome back to my channel again. My channel name is Exam Preparatory. Hopefully, आप लोग बहुत बेहतर होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे, अपने अपनों का ध्यान रख रहे होंगे, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है इस कोविड की सिचुएशन में. तो चलो जी, आज का विशेष मुद्दा क्या है कि अब मणिपाल ने क्या किया है. मणिपाल ने दो राउंड और बढ़ा दिए. अब राउंड 6 और राउंड 7 इंट्रा इंस्टीट्यूट स्लाइडिंग राउंड, तो कुल मिला के 3 राउंड अगर आप यहां देखोगे तो 3 राउंड तो नहीं, 2 राउंड तो बढ़ गए. 6 और 7 इंटर फ्लो पहले भी था. तो अब इसका मतलब क्या है, इसको समझने की कोशिश करेंगे कि क्या इन सारी चीजों की डिटेल्स है. सारी चीज बता दूं, अगर आप लोग मुझसे जुड़ना चाहते हैं इंस्टाग्राम पे, आप मुझे वहां से जुड़ सकते हैं. और बहुत नॉमिनल से मैंने चार्जेस रखे हैं, उसको पे कर हम लोग कॉल ऑन कॉल डिस्कशन कर एक प्रॉपर तरीके से आपकी चॉइस फिलिंग और सारी डिटेल्स जो आप जानना चाहते हैं उसको हम लोग डिस्कस कर सकते हैं. देखो यार, वीडियो पे सारी चीजें सब बच्चों के लिए नहीं होती है, क्योंकि किसी का किसी को ईसी जाना है, किसी को सीएस जाना है, किसी को डेटा साइंस में जाना है, तो अलग अलग बच्चे की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है और सारे बच्चों के हिसाब से वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं है. तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं, इंस्टाग्राम पे मेरा लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप आइए जुड़िए और बहुत नॉमिनल से चार्जेस पे हम लोग डिस्कशन करेंगे मणिपाल एंड कॉमेट के. चलो जी, अब देखो मैं बताऊं, अब इसमें है क्या कि दो राउंड बढ़ाने की जरूरत पड़ी है, तो इसका क्या मतलब है. देखो, राउंड 5 तक सारी चीजें अपने को पता है, सबके पास कट ऑफ है ऑलरेडी, है ना, तो उसको अब देख लेना. तो अब इसमें है क्या कि अब बच्चों ने क्या किया कि बच्चों ने धीरे 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 मणिपाल से अब रिफंड खींचना शुरू कर दिया है. किसी भी रीजन ये हो सकता है कि बिट्स की काउंसलिंग भी लगभग चल गई है और जेई मेंस की, जैसे मैं बहुत लंबे समय से कह रहा था कि यहां पे राउंड की पॉसिबिलिटी बनेगी और जेई मेंस के बाद, जब जेई मेंस का रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद से यहां पे चेंजेस होने हो, जो पॉसिबिलिटी होगी वो कहीं ना कहीं बहुत तेजी से बढ़ेगी. तो अब यहां पे पॉसिबिलिटी होनी चाहिए क्योंकि दो राउंड बढ़ गए हैं. अगर पॉसिबिलिटी बहुत कम होती तो एक राउंड बढ़ा के भी यहां पे काम चलाया जा सकता था, लेकिन पॉसिबिलिटी यहां पे मेरे को लगता है ज्यादा है. और जो कट ऑफ है अब उसमें कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक जो बड़ा डिफरेंस हम लोग देखते हैं 200 का 300 रैंक का, वो अब आने को मिल सकता है. तो अब बहुत सारे बच्चे पूछेंगे, भैया मणिपाल के मेन कैंपस में कितना चेंजेस आएगा. देखो यार, मणिपाल के मेन कैंपस की मैं बात करूं तो मेन कैंपस में भी बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं, तो 50-50 जो है रैंक्स का ऊपर नीचे देखने को आपको जरूर मिलेगा. जयपुर में आपको 100 से 150 और बैंगलोर में भी कम से कम 100 से 150 रैंक्स का वेरिएशन आपको जरूर आप देखने को मिलेगा. अब इसमें क्या फायदा होगा, किस चीज को फायदा हो सकता है, उनकी बात कर लेता हूं. अब इसमें है क्या एक्चुअली, देखो जेई मेंस के थ्रू जिन बच्चों की रैंक अच्छी आ गई है और उन्होंने यहाँ पे सीट ब्लॉक की हुई थी, तो वो धीरे 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 अब अपना 1,65,000 रुपए है उसके लिए डाल चुके हैं विड्रॉ या ऑप्ट आउट, जो मतलब ऑप्ट आउट करके जा चुके हैं. ऑप्ट आउट में वहां पे देखो, वहां पे ऑप्ट आउट जब आप कर लेंगे तो वहां पे आपको रिफंड का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है, रिफंड का ऑप्शन नहीं आएगा. तो ऑप्ट आउट जब आप करेंगे, अगर आपको कोई भी ब्रांच नहीं मिली है और आपने ऑप्ट आउट कर लिया है, तो आपका जो 10,000 रुपीज है वो आपके अकाउंट में आ जाएगा. नॉमिनल से जो भी डिडक्शन होंगे वो उसमें से कट जाएंगे. लेकिन अगर आपको अब कॉलेज मिल चुका है तो आपको ऑप्ट आउट का ऑप्शन वहां पे दिख रहा होगा, और ऑप्ट आउट के बाद आप वहां पे पहले रिफंड लेने से पहले अगर वहां पे रिफंड का ऑप्शन आ रहा है तो रिफंड पे क्लिक कीजिएगा. अदरवाइज वहां पे एक बार कॉल आप मणिपाल में कर लीजिए कि किस तरीके से अब आपको रिफंड लेना है. जिनको कुछ नहीं मिला वो तो सीधा ऑप्ट आउट कर दो, आपका जो अमाउंट है वो आपके अकाउंट में आ जाएगा 10-15-20 दिन में, ठीक है. अब जो इसमें मणिपाल, जयपुर और बैंगलोर की मैं अगर स्पेशली बात करूं तो इसको लेकर बच्चे बहुत ज्यादा चिंतित, क्योंकि जिनको मणिपाल मेन कैंपस मिल गया है उनके मन में तो अब यही है कि चलो ठीक है, धीरे धीरे कहीं ना कहीं से ऊपर थोड़ा सा और हो जाए, ब्रांच चेंज हो जाए तो मजा आ जाए. लेकिन जिनको अब जयपुर और बैंगलोर मिला है तो वो अब सोच रहे हैं, और उसमें जयपुर और बैंगलोर में लोअर ब्रांचेस मिली तो अब वो सोच रहे हैं कि किस तरीके से सीएस में जाया जाए. तो देखो, दो अपॉर्चुनिटी अपने पास है, इंट्रा स्लाइड अपने पास है, तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मुझे यहां पे लगता है बनती हुई दिखाई देगी कि जो भी स्टूडेंट अब अपनी ब्रांच को अपग्रेड करके देख रहा है या जिन बच्चों ने एक राउंड में भी पार्टिसिपेट नहीं किया है, तो अब फटाफट से जाकर राउंड में पार्टिसिपेट अब कर लीजिए. जो भी राउंड अब आएगा 6 वाले में, अगर आपने अभी तक पार्टिसिपेट नहीं किया, किसी भी चीज का वेट मत कीजिए, क्योंकि जब आपने अगर पहले से पार्टिसिपेट नहीं किया तो अगर आपकी रैंक 10 भी है तो अभी आपको प्रॉब्लम आएगी कि सीट ग्रैब करने में मणिपाल के मेन कैंपस में, क्योंकि ये बच्चों के साथ आई हुई है कि उनकी रैंक कट ऑफ के अंदर होने के बावजूद भी, क्योंकि उन्होंने काफी लेट में रजिस्ट्रेशन किया था, उनको वो सीट नहीं मिली है. तो अभी भी आपके पास टाइम है, 10,000 रुपए भर के फटाफट ये जो मणिपाल की सुविधाएं हैं ये ले लीजिए, और एक ब्रांच एटलीस्ट किसी भी कॉलेज में जिसमें आप चाहते हैं कि इंट्रा में जाएं, उसमें आप कोई सी भी लोअर ब्रांच भी लेकर वहां पे आप घुस जाइए ताकि आपको इंट्रा स्लाइड का बेनिफिट मिल सके. स्पॉट राउंड की कोई अपडेट फिलहाल उन्होंने नहीं दी है और मेरे को लगता है स्पॉट राउंड में सीट्स बचेंगी नहीं, क्योंकि दो राउंड उन्होंने ऑलरेडी बढ़ा दिए हैं. फिर भी अगर स्पॉट राउंड होगा तो वी विल डिस्कस
लेटर ऑन। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना और अपनों का। आप मुझसे जुड़ सकते हैं इंस्टाग्राम पे, बहुत डिटेल में वहां पर डिस्कशन कर सकते हैं। टेलीफोनिकली बहुत मामले से मैंने चार्जेस रखे हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।